गाइस मासी ने धुआं धुआं करके रखा है, देखो चावल बनाया हुआ है इसने। गाइस ये रहा पिज्जा कर चुका है, तो पहला बार बहुत अच्छा बना। अच्छा बना है, पूछते हैं आप कैसे बने पिज्जा। बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी हो, आप सभी अच्छे होंगे और मैं एकदम मस्त हूँ। दोस्तों आज जा रहे हैं हम लोग धोबी घाट कपड़े धोने के लिए। तो घर में ना जो कंबल है, रजाई कवर है और पिल्लो कवर और दिन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें धोने के लिए, तो हम धोने जा रहे हैं। तो ऐसे ना हमारे यहाँ गांव में सब लोग धोते हैं इस टाइम पे। तो इसके बाद अभी अप्रैल महीना चल रहा है ना, मई में फिर खेत का काम स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे अप्रैल में भी होता है कईयों कईयों का, तो हम तो मई में ही स्टार्ट होता है हमारा खेत का काम। तो फिर गर्मियों में उतना टाइम नहीं होता, इसलिए तो लोग अभी सारे जो भी कपड़े कुपड़े हैं, मतलब कंबल वगैरह, तो सारे धोते हैं। तो मैं जा रही हूँ, तो बाकी सब लोग निकल गए हैं धोबी घाट, तो मैं अकेली रह गई हूँ। तो चलो चलते हैं और कपड़े धोते हैं। तो आज का पूरा व्लॉग होने वाला है कपड़े धोते हुए, तो थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, उतना बोरिंग भी नहीं करूँगी आप सबको। तो मेरे व्लॉग में बने रहे और जो जो मेरे चैनल बने हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस ये रहा गम्बूट, हमारे स्पीति लैंग्वेज में छुलम्बूट कहते हैं, तो ये ले जा रही हूँ। और बाकी ये है गाइस आज का वेदर, ये देखो मौसम एकदम चकाचक है। तो चलो चलते हैं धोबी घाट। क्या हुआ आपको आया मजा? क्यों धुआं आया ना? क्यों ये टोपी कैसे पहना हुआ है तूने? आशी की टोपी की तरह पहना हुआ है। हाँ, तो गाइस ये देखो यहाँ पर आग जला रहे हैं, यहाँ पर हमने पानी गर्म करके धोने वाले हैं। ये देखो गाइस हमने भी घर में, तो मेरे घर में तो धुआं घुस गया। अच्छा, और ये रहे हमारे कपड़े, देखो ये सारे हैं इधर जितने भी नहीं, सारे हमारे कपड़े हैं। और यहाँ अंदर कुछ लोग अभी कपड़े धो रहे हैं। क्या हुआ? ओ गाइस मासी ने धुआं धुआं करके रखा है, देखो सारा धुआं ना आंख में घुस रहा है। थू चैसा है छू ए सिल गरम था, सिल गरम था। लो छोड़ दे, आ जा इधर प्रियंशी, बाल्टी जमा छोड़ दे छू बार बार। तो गाइस अभी यहाँ पर हम कपड़े छाल रहे हैं, तो बाकी कुछ कंबल यहाँ पर रखे हैं भिगोने के लिए, तो गर्म पानी के। और यहाँ देखो अभी कंटिन्यू चला हुआ है धोने का काम हमारा। और इस प्रियंशी को देखो सारे पजामे पुजामे ऊपर करके क्या कर रही है तू? अब यहाँ देख सारा गिल्ला हो रहा है, इधर देख इधर धूप में, इधर बाहर आ चला जाए, सारे कपड़े गिल्ले कर रही। इधर देखो इस प्रियंशी को, इधर आ, वहाँ कहाँ बैठे मिट्टी है, उठ धूप में बैठ, इधर आ गंदी लड़की, बैठ इधर। सारे कपड़े इधर, चप्पल देखो तो इसका, पजामा ऊपर करके सारा गिल्ला कर दिया ना तूने, ये सारा गिल्ला किया हुआ है गंदी लड़की, वहीं बैठ धूप में, ठीक है अब। तो गाइस ये प्रियांशी इतनी जिद्दी है ना, तो इसने अपनी जिद कर ही दी। यहाँ देखो तो ये कैसे कर रही है, छोटा सा पैर और कितना वो कर दी, देखो तो इस टब के बराबर ये खुद है, मजा आ रहा है। गाइस मैं और मासी जा रहे हैं, जो कंबल हमने छाल दिए ना, तो वो ना यहाँ पर नीचे डम कहते हैं हम इसको, तो यहाँ नीचे ना यहाँ पर हम सुखाने जा रहे हैं। तो अभी मासी ने उठाया हुआ है, तो दो आदमी तो चाहिए हेल्प में, तो यहाँ पर सुखाएंगे हम कपड़े, तो फिर कल शाम तक आई थिंक सूख जाएगा, तो फिर हम लेने आएंगे। तो अभी चलो कपड़े सुखाते हैं। और ये है हमारा पुराना घर, मैंने आप उनको व्लॉग में कभी नहीं दिखाया, तो छत वगैरह सब उधेड़ दिए इसका। और इसके बीच में ना वो देखो सेब के पेड़ लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 है, छोटे छोटे अभी ये देखो। तो जब हम छोटे छोटे थे ना, फर्स्ट सेकेंड क्लास में पढ़ते थे, तब हम यहाँ रहते थे। रख दिए हमने कपड़े इधर, तो इधर नहीं सुखाएंगे हम सुखाएंगे इधर इस लाइन में, तो बहुत सारे हमारे पास कंबल, तो चलो चढ़ते हैं ऊपर। तो गाइस एक कंबल सुखा दिया है, तभी हमने तो गाइस चलो अभी उतरते हैं नीचे। तो ये ना बहुत ही खतरनाक है, इसके बीच में पैर फंसे सीधे नीचे जाएंगे। तो अभी चलो
चलते हैं दोबारा कपड़े दे के आते हैं यहाँ पर। तो गाइस हम ना इतने सारे जूते धोने के लिए लाए हैं ना, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। तो ये जूते ना हमने पूरे सर्दी नहीं पहने और ना हमने पिछले साल पहने हैं, तो ये ना काफ़ी सालों से एक डोरी भी पड़ा हुआ था, तो पहनने लायक काम है, तो हम खेत में पहनेंगे। तो अभी दो केस को तो हम धोनी के लिए लाए, आज आप सबको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ देखो जूते जूते हैं, तो ये कर्मा के हैं और ये गर्मियों में किचन में पहनने के काम आएंगे। तो अभी ये थोड़े मैले हो गए, फटे नहीं है, तो ये भी हम लाए हैं। और बाकी देखो बहुत सारे जूते लाए, देखो ये देखो, और ये मेरा जूता है ये, और अभी जो मैंने पहना हुआ है ना ये मैंने धोनी को लाया हुआ है, ये देखो बहुत सारे जूते धोनी के लिए। ये देखो ये सारे हमने पहने ही नहीं है, मतलब पिछले साल भी नहीं पहना, इस साल विंटर को भी नहीं पहना, तो अभी ये सारे धोने हमने और इस साल हम खेत में यूज़ करेंगे इन सब। गाइस अब बारी है जूते धोने की, तो लास्ट है बस जूता धोना, फिर उसके बाद ये सॉक्स वगैरह, फिर हो गया हमारा काम डन। अभी जल्दी जल्दी धो गए हैं ये सारे जूते, धुल चुके हैं, तो अभी हम इसको इसके लेटे में डाल रहे हैं और घर ले जा रहे हैं। तो गाइस कपड़े धो लिए और अभी टाइम की मैं बात करूं तो टाइम 1:05 बज गए, तो अभी हम जा रहे हैं घर। गाइस हम पहुंच चुके हैं घर, तो हम खा रहे हैं खाना वो भी बाहर, ये व्यू एंजॉय करते करते। गाइस आज सीजन का है, तो लोगों की तरह मेरा हाथ तंदूर कर जैसा। अच्छा तो आज हम ये इतना सुंदर सुंदर व्यू एंजॉय करते हुए खाना खा रहे हैं, तो देखते हैं खाने में क्या बना है। ये सर्व कर रही है, कौन सा दाल है ये, दाल मिर्च से बा रंगी दाल और चावल बनाया हुआ है इसने, और साथ में है अचार, और ये रहा हरी मिर्च। और ये इतना बेस्ट व्यू एंजॉय करते करते आज हम लंच करेंगे, ये रहा अचार और ये रहा दाल चावल। चलो मैं खाते हैं, भूख भी लग गया बहुत ज्यादा। तो हेलो गाइस अभी टाइम की मैं बात करूँ तो टाइम शाम के 7 बजे हैं, और गाइस मैं बना रही हूँ पिज्ज़ा, तो मुझे अभी अभी याद आई कि मैंने व्लॉगिंग भी करना है, तो मैंने एक पिज्ज़ा बना दिया, तो अभी ये है दूसरा। तो अभी जो एक पिज़्ज़ा बनाया है मैंने वो अभी यहाँ पर पकने के लिए रखा हुआ मैंने, तो ये रहा देखो। तो बाकी चीज़ मार को ये स्लाइस वाला मिला है, तो ये स्लाइस वाला चीज़ डाल के बनाया है, और साथ ही साथ ये रहा पिज्ज़ा एज पास्ता सॉस है ये, और बाकी ये रहा इसके अंदर का मटेरियल, ये मैंने तैयार करके रखा हुआ है। तो इसमें है शिमला मिर्च, प्याज और टोमेटो, ये बस 3 ही आइटम मैंने मिक्स किया हुआ है। इसमें ना मैंने ये वाला सॉस डाल दिया और थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए। तो अभी ये है दूसरा पिज्ज़ा, तो अभी इसमें ना मैं ऐसे छेद छेद कर रही हूँ ताकि जो मटेरियल है ना वो अंदर अंदर तक चले जाए सॉस का टेस्ट। पिज्ज़ा बन चुका है, रेडी हो गया ये देखो, तो चीज़ ना स्लाइस वाले तो इसलिए अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ, बट हाँ खा के हम बताएंगे आपको कि कैसा बनाया। तो अभी चलो इसको रेडी करते हैं, बस तो गाइस अभी डाल रही हूँ मैं चीज़, खाते नहीं है इसको, समझ आए। 6 पीस गाइस ये रहा पिज्जा कर चुका है, तो पहला बाइट प्रियांशी टेस्ट करके बताएगी सच सच, ठीक है कैसा बना है, खा बता। तो गाइस को सच सच बताने कैसा बना है, अच्छा बना है, अच्छा बना है, अच्छा। तो गाइस चलो मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, पिज्जा बहुत ज्यादा टेस्टी है, तो मैं इसे 10 में से 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगी। तो गाइस पापा से पूछते हैं आपका कैसा बना है पिज्जा, बढ़िया। अच्छा पिज्जा की तरह है ना, होटलों की तरह। तो गाइस ये रहा हमारा सेकंड पिज्ज़ा, हम खा रहे हैं और काफ़ी यम बना है,